हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बिहारी चिकन। तो अब हम सब चलते हैं रेसिपी की ओर। ढाई केजी मैंने चिकन लिया है, इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ लहसुन लिया है, इसके ऊपर के छिलके को मैंने हटा लिया है। ये पीछे की आप देख सकते हैं, ये जो जड़ है इसे हम चाकू की मदद से इस तरह से काट के हटा देंगे। जैसा कि आप देख, मैंने इसे काट दिया है। इसी तरह हम सारे लहसुन की जड़ को काट देंगे। एक कढ़ाई मैंने चढ़ाया है, इसमें हम ये 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसे हम हल्का गर्म होने देंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं गर्म करना है, सिर्फ हल्का गर्म करना है। अब इसमें हम ये चिकन डालेंगे। हम हल्का फ्राई करेंगे। हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, इसे हम हल्का फ्राई करेंगे। तो अब इसे हम इस कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम मसाला बनाएंगे। इसमें थोड़ा और 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसे हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 4 तेज पत्ता मैंने लिया है, 2 दालचीनी, 10-15 मिर्ची, 4 छोटी मिर्ची, 3 बड़ी मिर्ची, 5-6 लौंग, 10-12 सूखे लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सबको हम इस तेल में डाले हैं। अब इन्हें हम थोड़ा तड़कने देंगे।
अब इसमें हम ये 1 केजी कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये लहसुन हल्दी मिक्स कर लो। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट में धो लेंगे। अब इसमें हम ये कद्दूकस किए हुए अदरक डालेंगे। अब इसे हम सीम गैस पे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। दो छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसे हम हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक भूनेंगे। हमारे 15 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इसमें फ्राई किए हुए चिकन डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम सीम गैस पे 1.5 घंटे के लिए ढक देंगे। घंटा पूरा हो चुका है। सीम खोल कर देंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। इतना हाई? हाँ? क्या मुंह में जा रहा?
कि हम पानी को सुखाएंगे। आप देख सकते हैं यह हल्का गाढ़ा हो गया है। इसमें हम एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके पानी को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। और इसमें हम पानी डालेंगे। एक लीटर के लगभग मैंने पानी लिया है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया। अगर मेरी आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें।